नमस्कार, स्वागत है आपका GVN24 में और आपके साथ मैं हूँ रिशु चौधरी। बांका लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सुल्तानगंज पंचवटी रेस्ट हाउस में राजद कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बांका प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव की पत्नी सविता यादव और बेटी दिव्या प्रकाश के द्वारा किया गया। बता दें, दिव्या प्रकाश 2020 में तारापुर विधानसभा प्रत्याशी राजद की सीट से चुनाव लड़ी थी, जो कि जेडीयू के राजीव चौधरी के करारी हार मिली थी। वहीं इंडिया महागठबंधन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिव्या प्रकाश ने विकास मुद्दा को लेकर जीत दिलाने की बात कही और सभी इंडिया गठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं को हर बूथ लेवल पर संगठन मजबूत करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद के सवालों पर लालू यादव का बचाव करते हुए भाजपा को परिवारवाद की सलाह दे दी है। बहुत अच्छा है, लोगों का विजन यही है कि इस बार वो विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। उनको विकास चाहिए, जितना वो परेशान रहे हैं, रोड नहीं बना, पुल नहीं बना, उनको पानी की आवश्यकता है वो नहीं मिल पाई है पिछले 5 वर्षों में, तो इस बार सारा वोट विकास के नाम पर मिलेगा। जिस तरह से बीजेपी परिवारवाद पे हमला कर रहा है, उसमें क्या करना चाहिए? परिवारवाद तो वहाँ पे भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर ही है, परिवारवाद वहाँ पे भी है। हम जगहों का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उनके जो साथी, भाजपा के जो और साथी भी मौजूद हैं, जो पार्टी, वो भी कई घर के बच्चों को भी टिकट दिया जा रहा है, ये आप सबको पता है। परिवारवाद भी बीजेपी नहीं बोले तो बेहतर है। आप तारापुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और बांका से बहुत अच्छी तरह भली अवगत हैं, उसको लेकर के किस तरह का, क्या आपके पापा को इस पर फायदा आपको मिलेगा, किस तरह का पब्लिक क्या रिस्पॉन्स है? मैं वही आपको कह रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। अन्य जाति के लोग भी इस बार हमसे जुड़ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है बांका लोकसभा में पहली बार हो रहा होगा कि सब इस बार हमारा साथ दे रहे हैं, और सिर्फ विकास और विकास के नाम पर वो हमसे जुड़ रहे हैं इस बार। जीवन 24 की टीम की ओर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और बंगाल से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24।